तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो कैसे सारे मेरे भाई, आशा करता हूँ सारे अच्छे। भाई मैं आज खड़ा हूँ देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे। आज का सफर होने वाला भाई हमारा शहीद एक्सप्रेस में, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। 5:03 का इसका टाइम है। अभी बज रहे हैं 2:20 और मैं 3 घंटे पहले ही आ चुका हूँ। क्योंकि टाइम पास करते हैं तो सीधा आती है ट्रेन, तो आपको दिखाते हैं। भाई मेरे भूख बहुत लगी हुई, देख सकते हो। जस्ट स्टेशन के बाहर ही आया मैं, मैं ट्राई करना बड़ा मस्त है। और कभी भी यूपी बिहार साइड आउट हो, अदर स्टेट में मिलता है पर कहीं नहीं। भाई हमारे सामने दरभंगा से चल के नई दिल्ली तक जाने वाली दरभंगा एक्सप्रेस खड़ी है। काफ़ी भीड़ है भाई, स्लीपरों में तो फुल पैक है। जनरल में तो और भी बुरा हाल है। सुबह 5:30 बजे तक ये नई दिल्ली पहुंचा देगी। अभी 3:16 पे आई है यहाँ पे देवरिया रेलवे स्टेशन पे। सुबह तक कानपुर के ना गोरखपुर गोंडा होते हुए कानपुर के रास्ते सुबह 5:30 बजे तक आपको नई दिल्ली पहुंचा देती है ट्रेन। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई इसमें भी। वैशाली एक्सप्रेस आई थी अभी 5:10 पे, काफ़ी भीड़ है। देखो भाई नई दिल्ली को जाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ रहती है हमेशा, काफ़ी पैसेंजर वेट कर रहे हैं। इसके बाद है शहीद एक्सप्रेस, अपनी गाड़ी आने वाली है और वैशाली के लिए बहुत भीड़ रहती है हमेशा। स्लीपर में भी जनरल रैन फुल थे, आगे की तरफ है, मैं तो सेंटर में खड़ा था। टीटी साहब ने पकड़ लिया सबको एक साथ। 5:40 पे हमारी ट्रेन आ रही है, अनाउंसमेंट हो चुकी है शहीद एक्सप्रेस 40 मिनट के देरी से वहाँ पे तो आ चुकी है। अब दिखेगी नहीं, शायद दिख रही हो देखो, क्योंकि हमारी शहीद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पूरे 5:41 पे पूरे 40 मिनट लेट है। एक डब्बा आगे जनरल की तरफ, बाकी सारे पीछे। एसी फर्स्ट कॉम, एसी 2 टीयर। चलते हम भी आगे, आगे की तरफ जाएंगे। भाई आगे की तरफ डब्बे हैं जिसमें मैंने ट्रैवल करना है, जिसमें मैंने जाना है। सॉरी, देख लेते हैं क्योंकि तो मैंने कुछ टिकट नहीं बनवाई है, अंतर ही बनवाएंगे। स्लीपर के तो मेरे को पता है फुल थे, देखते हैं आगे अंदर चलते हैं तो देखते हैं सीधा मिलते हैं डिपार्चर पे। और भाई इस साइड आई है गोरखपुर इंटरसिटी जो बनारस से गोरखपुर के बीच में चलती है, तो करते हैं सफर इसमें अंदर ही। काफ़ी भीड़ है देख सकते हो, स्लीपर वाला क्लास है। अरे टी साहब से बात की होंगे तो कोई नहीं, स्लीपर में आ जाओ, देखते हैं टी साहब का वेट होगा, तो सीट बनाएंगे अंदर देखते हैं। हम तक खड़े इधर थर्ड एसी वाले डिपार्टमेंट। भाई डिपार्चर हो गया, गाड़ी हमारी चल पड़ी थी इसलिए मुझे अंदर से दिखाना पड़ रहा है। ये भाई बैठे हैं इसलिए मेरे को आगे जाना पड़ रहा है। भाई हो चुका है डिपार्चर, हम आगे मिलते हैं सीधा अपने उधर स्लीपर का। मैंने टीटी से बात कर ली है ऐसे तो। भाई देख सकते हो ये है शहीद एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का हाल। अभी देखते हैं कैसे जाते हैं, सारी रात ये पूरी खचा का चित्र फुल पड़ी हुई है। भाई वो देखो सड़क गोरखपुर की काफ़ी अच्छी लग रही है। थर्ड एसी वाले सारे स्लीपर वाले भगवान। भाई गोरखपुर स्टेशन आ गया, मैं नीचे नहीं उतर पा रहे इतना भीड़, देख सकते हो।
नीचे नहीं चल दे रहे, इतनी भीड़ है यहाँ पे खड़ा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गोरखपुर के पहुँच गए थे हमारी शहीद एक्सप्रेस, और काफ़ी भीड़ है भाई, ये देख सकते हो फुल ऑन पैक है। ये थर्ड एसी का हाल भाई बहुत बुरा हुआ है। अभी तो ये आगे आगे जाएगी, सहारनपुर होते मुरादाबाद होते बरेली बुरेली सब भाई उधर ले हैं शाहजहानपुर वाले, बहुत भीड़ जाएगी भाई। तब तक के लिए देखते हैं आगे करते हैं शुरू। और भाई यहाँ से होगी डिपार्चर, अभी तो टाइम हो रहा है, टाइम पे नहीं दिख रहा है, यहाँ सीधा डिपार्चर होगी तो आगे मिलते हैं भाई। गोरखपुर से हो चुका है डिपार्चर हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, देख सकते हो काफ़ी भीड़ थी ट्रेन। 8:36 मिनट में पहुँच चुके हैं बस्ती जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है हमारी गाड़ी, देख सकते हो भाई यहाँ पे काफ़ी लोग डिपार्चर करेंगे, कई लोग उतरेंगे। भाई बस्ती जंक्शन से हो चुका है अपना डिपार्चर 8:40 पे, यहाँ से काफ़ी लोग बोर्ड किए हैं। अरे भाई जल्दी आ जाओ, आ जाओ। बस्ती जंक्शन से हो चुका है अपना डिपार्चर, रात के बज चुके 1:08 पहुँच चुके हैं लखनऊ के आरबाग रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आई है हमारी गाड़ी 1:06 पे। भाई मैं आधे रास्ते में सो गया था, तो मेरा वैसे ही फोन मोबाइल बंद हो गया था, मैं चार्ज लगाया तब जाके अभी ऑन हो गया, तो मैं उठा तब तक तो लखनऊ पहुँच चुके थे। गोंडा वगैरह स्टेशन में कवर नहीं कर पाया, तो चीज़ें मिलते हैं डिपार्चर पे। भाई लखनऊ से हो चुका है डिपार्चर 1:17 पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। भाई सुबह के बज चुके 5 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुके हैं, पहुँच चुके बरेली जंक्शन है, बरेली जंक्शन पे आ चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे भी उतरेंगे। सीधा भैया पे चलते हैं तो मिलते हैं डिपार्चर पे, भाई ये मिलिए जाने तो हो गया कवर नहीं तो ये स्किप हो जाता है। भाई 7:04 में पहुँच चुके हैं हम मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन 3 पे, शीतल की नगरी पहुँच चुके हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे, देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे लोग बहुत डिपार्चर करेंगे, यहाँ से लोग काफ़ी वोट करेंगे, तो सीधा मिलते हैं डिपार्चर पे। चाय पीते पीते हो चुका है अपना डिपार्चर मुरादाबाद जंक्शन से, तो सीधा मिलते हैं अगले स्टेशन पे। भाई 8:45 पे पहुंच चुके हैं हम नजीकाबाद जंक्शन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है हमारी गाड़ी, यहाँ से भी काफ़ी लोग उतरेंगे और काफ़ी लोग वोट करेंगे, तो सीधा मिलते हैं डिपार्चर पे। भाई हमारा हो चुका डिपार्चर 2 मिनट के होल्ट के बाद, यहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकानें भी हैं, आप कहाँ पे गए खरीद सकते हो जैसे ब्रेड समोसा वगैरह, और ये कारी की तरफ भी दुकान है। भाई गाड़ी की सफाई की बात करें तो ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा गंदगी है अभी तो। भाई हम पहुंच चुके हैं लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे देखो भाई कितनी भीड़ है स्लीपर और जनरल में, और आज मैं देखता हूँ भाई आज का सफ़र यहीं तक होगा,
जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।